माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 15। इस क्लास में आप सीखेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे एक डाटा मैंने ले लिया है जिस पे हम एडवांस फिल्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि फिल्टर में क्या कमी है जो एडवांस फिल्टर में हमें मिलता है। देखिए, जब हम लोग फिल्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और शॉर्टकट में दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉक्टर, ओके मैंने किया। अब यहाँ पे डॉक्टर लगा हुआ है, ये मुझे पता नहीं चलता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साइट में, जैसे यहाँ पे ये भी दिखता रहे कि कौन से कॉलम में किस चीज के लिए फिल्टर किया गया है, तो आप एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले फिल्टर को क्लियर करते हैं। ये मैंने फिल्टर को क्लियर कर दिया और फिल्टर को ऑफ भी कर दिया। यहाँ पे मैं तीन रो ऊपर में इंसर्ट कर ले रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए तीन रो यहाँ पे आ चुके हैं। क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे सेम टू सेम जो हेडर हमने यहाँ पे रखा है वही हेडर यहाँ पे ले लेना है। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी मैंने किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके चलिए पेस्ट वैल्यू सिर्फ ले लेता हूँ, फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए। स्किप मैंने दबाया जिससे सिलेक्शन हट जाए। अब पोस्ट में मुझे क्या फिल्टर करना है, डॉक्टर फिल्टर करना है। चलिए यहाँ पे डॉक्टर लिख लेते हैं, या चलिए इसे मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, कॉपी करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसे आपको कॉपी करना हो उस पर क्लिक कर दें और कंट्रोल की दबाएं कीबोर्ड से, उसके बाद उस सेल को क्लिक करते हुए, होल्ड करते हुए, ड्रैग करते हुए वहां ले जाएं जहां उसका पेस्ट चाहते हैं। और ये देखिए हो गया। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, सभी में आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। मतलब सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की होल्ड कीजिए और माउस से ड्रैग कीजिए, उसका डुप्लीकेट तुरंत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, होम पे चलते हैं और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया लगभग 10। ओके अब ये मैंने तैयार कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डाटा में से, ये जो मैंने लिया है सिलेक्शन, इसमें से ये फिल्टर हो जाए। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद या तो आप चले जाएं डाटा वाले टैब में और यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर दें। जैसे ये हो गया, इसने पूछा लिस्ट रेंज क्या है, तो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, अगर नहीं किया होता तो बाद में सिलेक्शन कर सकते थे। अब पूछता है क्रिटेरिया रेंज क्या है, तो यहाँ पे क्रिटेरिया रेंज में आप इसे सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, आप सिर्फ पोस्ट को भी ले सकते हैं, मैंने नेम सैलरी भी ले लिया, कोई बात नहीं, और ओके पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ था, तो इसने डॉक्टर के जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड थे वो रखे, बाकी सबको हटा दिया। अब इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि फिल्टर किस चीज को लेके हुआ है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर को लेके फिल्टर किया गया है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा और एडवांस फिल्टर चाहते हैं, नेम को भी फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके नाम दिखे जो आर से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे और एस्ट्रिक लगा देंगे। आर के बाद मुझे पता नहीं है क्या हो सकता है, तो मैंने एस्ट्रिक लगा दिया। चलिए फिर से बाहर मैंने क्लिक किया और एडवांस फिल्टर पे फिर से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद रेंज इसने अपने आप ले लिया है। अगर क्रिटेरिया रेंज अपडेट ना हो तो फिर से क्लिक कीजिए और क्रिटेरिया रेंज को इस तरह से अपडेट कर दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। और ये देखिए क्या हुआ, इसने पहला जो है वो डॉक्टर को फिल्टर किया और दूसरा नेम में सिर्फ आर से जो शुरू होने वाले थे उनको रखा, बाकी को हटा दिया। चलिए क्लियर कर लेता हूँ फिल्टर को। थोड़े से और एडवांस मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे सैलरी में देखना है कि जो 2000 से ऊपर के हों, डॉक्टर में हटा देता हूँ, सिर्फ सैलरी को लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने लगाया ग्रेटर दैन और 2000। ओके अब फिर से एडवांस फिल्टर पे मैंने क्लिक किया, रेंज नहीं है तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। लीजिए क्रिटेरिया रेंज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। और ये देखिए जो भी 2000 से ऊपर है वो नजर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के रिपोर्ट दिखाए जो 2000 से ज्यादा के सैलरी वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर लिख दूंगा और एंटर मैंने प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने एडवांस फिल्टर अपडेट नहीं किया है। तो चलिए फिर से एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सारी चीजें सेट की हुई थी, यानी क्रिटेरिया का रेंज भी इसने सही ले रखा है। बस ओके क्लिक कीजिए और ये देखिए फिल्टर हो गया, यहाँ 2000 से ऊपर के सभी सैलरी वाले दिख रहे हैं और सिर्फ डॉक्टर के दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसमें आर और एस वाले जो है उनको भी रख लेते हैं। तब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाया मैंने आर एस्ट्रिक
नीचे आए और यहां लगाया एस एस्ट्रिक, मतलब मुझे आर भी चाहिए और एस भी चाहिए। ओके, अब बाहर क्लिक कर देते हैं और फिर से चलते हैं एडवांस पे। ये मैंने क्लिक किया एडवांस पे, क्रिटेरिया को थोड़ा अपडेट करना होगा, तो ये मैंने लिया और थोड़ा ज्यादा ओके। और ये देखिए क्या हुआ, इसने डॉक्टर को रखा, पहले वाले पे मैंने फिल्टर क्या किया है डॉक्टर, दूसरे पे मैंने फिल्टर किया है आर और एस से शुरू होने वाले सारे नाम, और तीसरे पे मैंने लगा रखा है कि 2000 से ऊपर की सैलरी होनी चाहिए। तो ये तीनों क्रिटेरिया को लेते हुए इसने यहाँ पे जो डाटा था उसे फिल्टर कर दिया। तो जब आप फिल्टर करते हैं और फिल्टर करते हुए आप ये भी दिखाते हैं कि हमने किस किस क्रिटेरिया को लेके इसे फिल्टर किया है, तो वो एडवांस फिल्टर कहलाता है। और ये काफी यूजफुल है, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े जगहों पर किया जाता है जहां पे हमें बड़ी मात्रा में डाटा को फिल्टर करना होता है और साथ में ये भी दिखाना होता है कि हमने किस बेस पे इसका फिल्टर किया है। तो इस क्लास में यहीं तक, आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।